बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, जहां पर शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है। जिले के ग्राम टांडा बंजारी शासकीय प्राथमिक विद्यालय समय से पहले बंद हो जाते हैं, तो वहीं ग्रामीणों और स्टूडेंट ने बताया कि समय से पहले स्कूल बंद हो गए। और इसी संबंध में जब पत्रकारों ने शिक्षकों से फोन पर बातचीत की तो उन्होंने पत्रकारों को डरा और धमकाया और इसके बाद उनसे बदतमीजी करने लगे। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या कुछ कार्रवाई इन शिक्षकों पर करती है। चार पांच हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? रजा खान। रजा खान, करीबन 3:30 बजे हो गया होगा, टांडा बंजारी 3:30 बजे स्कूल बंद हो गया होगा। सर अभी जंगल में से आया नहीं, इधर आओ एक मिनट। ये दीदी है, आंटी जी, इनसे पूछो। जनपद के थाना बाबूगढ़ के सामने अज्ञात वाहन द्वारा गोवंश की टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पुलिस प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। आपको बता दें कि इससे 3 घंटे पहले ही नैनीताल से दिल्ली जा रहे यात्रियों की बस अज्ञात वाहन की चपेट में आई। गोवंश से टकराने के कारण थाने के सामने डिवाइडर पर पलट गई, जिसमें लगभग 12 यात्रियों में से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे विफल हो रहे हैं और आए दिन इन सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। आपका नवीन मिश्रा। तो ये जो गाड़ी पलटी है, इसका क्या मामला है? मामला ये जी कि गाय जो रोड पे मरी हुई पड़ी थी, लास्ट टाइम तो दिखी नहीं, लास्ट टाइम में जब दिखी तो गाड़ी जो है ट्रक ऊपर चढ़ के पलट गई। तो कोई जो है किसी का चोट लग रही है? कैसे चोट? एक अम्मा की लगी है पाँव में, थोड़ी सी पाँव फंस गया था सीट के बीच में, और एक बच्चे के लगी, यहाँ सर टकरा गया था सीट के। तो तत्काल पुलिस पहुँची? हाँ जी। वैसे थाने के सामने का मामला है, तो पुलिस क्या तत्काल पहुंची? पुलिस का क्या सरकार साहब, महाराज अब क्या कहूँ, गाय रोड पर पड़ी थी, पहले तो गेट के सामने है, पहले उड़ जाना चाहिए था, उसके बाद इन्होंने जब हादसा हो गया उसके बाद उठवा के जो है फिर ऊपर करवाया है। तो थाने वालों को पहले गाय दिखी नहीं यहाँ पर? नहीं सर। यूपी के बुलंदशहर में फौज में भर्ती के लिए युवक का चयन होने पर वेरिफिकेशन के नाम पर दरोगा ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ना देने पर गलत रिपोर्ट लगाने की धमकी दी, तो युवक ने दरोगा का वीडियो बना डाला, जिसके बाद एसएसपी ने भ्रष्टाचार के आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। सर अनुपशहर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप में एक एसआई को सस्पेंड किया गया आपके द्वारा, सर किस तरह का ये पूरा प्रकरण था जिसमें कार्रवाई की गई? एक भिक्की गिरी नामक लड़के के द्वारा आज सुबह मुझे फ़ोन किया गया कि उसका सिलेक्शन जो है रेलवे सुरक्षा बल में हो गया है और पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर रिपोर्ट लगाने के लिए, फेवरेबल रिपोर्ट लगाने के लिए एक दरोगा जी उसके यहाँ गए और उन्होंने कुछ डिमांड की जो अनुचित थी, और जब उसने मना किया तो दरोगा जी ने ये बताया कि तुम्हारे खिलाफ मैं मिर्गी आने का आरोप लगा करके इसमें रिपोर्ट लगा दूंगा, और उसने एक वीडियो भी तैयार किया था, मुझे उसने वीडियो भेजा। वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें प्रस्तुत प्रकरण में जो सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार हैं इनकी सत्यनिष्ठा डाउटफुल है और निश्चित तौर पर इनका यह आचरण पुलिस की छवि और गरिमा दोनों को गिराने वाला है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई। आगरा जिला न्यायालय परिसर में जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने द्वितीय पुलिस पैरोकारों सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला जज ने कहा कि पुलिस का पैरोकार थाने और न्यायालय के बीच की ऐसी कड़ी है जो कि हर समस्या का हल निकाल लेते हैं और अपनी पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट और पुलिस के किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं होने देते और अपराधियों को सजा कराकर ही छोड़ते हैं। नियोजन में जो लगे हुए हैं और जिनका कार्य सराहनीय है, जो सज़ा कराने में प्रभावी पैरवी करने में ताकि अपराध नियंत्रण हो और सज़ा हो, उस उनके उन पैरोकारों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता और उनकी टीम द्वारा इसमें जो कमेटी बनी थी उसके द्वारा चिन्हित किए गए और उनको प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार ये दिए गए और उनका सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम इसीलिए आज आयोजित किया गया था जिसमें हम पुलिस के अधिकारी गण, महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीजे साहब और अन्य अधिकारी गण भी उपस्थित। सर प्राय देखने में ये आता है कि पैरोकार की एक थाने समिति और जुडिशियर का बीच का माध्यम है, कई परेशानियों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, तो क्या इन परेशानियों के समाधान किए जाए? कार्य कठिन होता है,
पैरोकार चूँकि कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस भी होते हैं, उस थाने दूर दराज के होते हैं, तो इतनी दूर से रोज़ थाने से और यहाँ पर आकर के कार को करना एक दुरू कार्य है, लेकिन फिर भी वो अपने कार को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसीलिए उनको चिन्हित भी किया गया और उनको प्रोत्साहित भी किया गया। ठीक, थैंक यू। गाजियाबाद की थाना साहिबाबाद इलाके के मोहन नगर में दिन दहाड़े बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 के दो बदमाशों को पुलिस की गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश एक महिला से कुंडल लूटकर भाग रहे थे, जिसकी सूचना महिला ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने गोली चलाई। पुलिस को बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल और दो तमंचे भी बरामद हुए हैं और पुलिस ने अभी इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज लगभग 3:30 बजे एक महिला के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई कि उसके साथ दो लड़कों ने तमंचा दिखा करके लूट की है और उसका कुंडल लूट करके भाग रहे हैं। इस सूचना पर गाजियाबाद पुलिस को सक्रिय किया गया। साहिबाबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी मोहन नगर से यूपी गेट के बीच में, उसी दौरान दो लड़के बदमाश आते दिखाई दिए सफ़ेद अपाची से। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश घायल हुए, दोनों बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सफ़ेद अपाची बरामद की गई है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि ये लड़के, एक का नाम आमिर है, दूसरे का नाम वसीम है। इन दोनों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है पूर्व से ही। दोनों ने उस महिला के साथ लूट की थी, कुंडल बरामद हुआ है, घटना में प्रयुक्त दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। ये भी ज्ञात हुआ कि सुबह ही आज इन दोनों लड़कों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में एक महिला से चैन लूटा था, वो चैन भी बरामद कर ली गई है और एक लॉकेट बरामद किया गया है। पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ कि और कई घटनाएं इन लोगों ने कबूली हैं। इनको उपचार के हेतु इनको अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य वादी को बुला करके हम लोग पहचान करा रहे हैं। शीघ्र ही जितनी घटनाओं में इनकी संलिप्तता रही है, हम लोग उसका खुलासा करेंगे और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके में रमतेराम रोड पर लकड़ी के एक गोदाम में भीषण आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस भयंकर आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, आग लगने के बाद बिजली विभाग ने भी इलाके की लाइट काट दी थी, जिसकी वजह से और कोई भयंकर आग ना पकड़ पाए। उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद नगर के मोहल्ला मोमरान स्थित लाखों रुपये की लागत से डूंडा द्वारा बनाया जा रहा नाला निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग होने पर बना नाले की दीवार गिरी, हादसा होने से टला और मोहल्लावासियों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। गिरा है, किसके कोर्ट जमानत था, ये इतनी घटिया सामग्री लगाई गई है इसमें? ये डूडा द्वारा बुलंदशहर का कार्य था, जो ठेकेदार द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी बहुत घटिया सामग्री लगाई गई और अपनी मनमानी करता रहा ठेकेदार। अधिकारी भी डूडा द्वारा उस पर सख्ती करते रहे, लेकिन कहता है कि भी मैं दबंग ठेकेदार हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या नाम है ठेकेदार का? राजकुमार। कब बना था ये नाला? ये नाला 2 महीने से काम चल रहा है, कभी काम कर देता है, कभी शुरू कर देता है, कभी बंद कर देता है, मनमानी कर रहा है। आपने इसकी शिकायत करी किसी से? हाँ, ऊपर अधिकारियों से शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन साहब द्वारा भी शिकायत की गई है, पूरे बोर्ड ने भी शिकायत करी, तब भी इसकी हालत जस से तस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम अंसारी, कोर्ट सभासदपति। देवरिया खाद्य विभाग की टीम ने रूटीन चेकिंग के दौरान स्टेशन रोड स्थित मछली हट्टा के पास एक बेकरी की दुकान पर छापा मारकर 40 गत्ता वजन लगभग 250 किलोग्राम मिलावटी लड्डू बरामद किया है। तो वहीं लड्डू के नमूने को सील कर जांच के लिए संबंधित विभाग में भेज दिया गया है।